कोर्ट रूम में काकू पर उठेगी उंगली केस को मैनिपुलेट करने के लिए। With all due respect, ma'am, आज से पहले मैं आपसे तो कभी नहीं मिला, तो आप ऐसा इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ मिस्टर चौहान, वो जो लेडी आपके साथ बैठी है ना, मिसेज भवानी नागेश चौहान, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। आपको इन्होंने ऐसा क्या कहा? अदालत को साफ साफ तफसील से बताइए। विराट को आएगा काकू पर गुस्सा कि जो गलती उन्होंने की थी वही काकू ने भी दोहराई। लैंड अलॉटमेंट की एप्लीकेशन दी है, राजनीतिक हलकों में अच्छा खासा दबदबा है मेरा, सभी लोगों से जान पहचान है ऊपर तक। अगर आपकी जांच समिति डॉक्टर सई जोशी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको आपके हॉस्पिटल के लिए लैंड मिल जाएगी, ये भवानी नागेश चौहान का वादा रहा। काको, मैंने आपको मना किया था ना, मैं खुद ऐसी गलती कर चुका हूं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? बाड़ा, मैं सही की मदद करने की कोशिश कर रही थी। काकू की एक छोटी सी गलती की वजह से सबके चेहरे पर आ जाएगी टेंशन। अगर ऐसी बात है तो मैं इस केस को मिस ट्रायल घोषित करके अभी के अभी डिसमिस कर देता हूं। क्योंकि ट्रायल शुरू होने से पहले ही डॉक्टर सही पर इतना बड़ा इल्जाम लग चुका है। यह अदालत डॉक्टर नंदिता की बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सई और डॉक्टर पुलकित बनाम पत्रलेखा चौहान के केस में यह फैसला सुनाती है कि डॉक्टर सत्य लेंगे सई की गारंटी और इस केस को रद्द होने से रोक लेंगे। माय लॉर्ड, इस मामले में मैं डॉक्टर सई की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि अपने उसूल अपने आदर्श हर चीज से बढ़कर है। ये कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिससे किसी का नुकसान हो, इसलिए मैं भी अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि बिना ट्रायल के कोई फैसला ना सुनाया जाए। क्योंकि मेडिकल काउंसिल के एक मेंबर ने डॉक्टर सिंह की गारंटी ली है तो अदालत डॉक्टर सिंह को अपनी बात रखने का मौका देती है।